नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने जीवन में। और आज है सोमवार का दिन, और ये देखिए हमारे यहाँ से निकल रही है कांवड़ यात्रा, जो कि ग्वारी घाट से नर्मदा जल लेकर के आ रहे हैं, और यहाँ से सीधे जाएंगे गौराम बाबा। गौराम बाबा में जल अर्पित करेंगे, तो यहाँ से निकल रहे हैं कांवड़िए बोल बम बम के नारों के साथ। निकलते हुए यहाँ पर 2 मिनट रुक करके इनको जल ग्रहण करवाया गया है, और ये अब धीरे धीरे निकल रहे हैं गौरम बाबा की ओर। और चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में, तो हम आपको दिखाएंगे आज है गौरम बाबा के दर्शन कराएंगे आप सभी को। सभी लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलो चलते हैं सीधे यहाँ से कांवड़ियों के साथ में गौराम बाबा की ओर। देखिए माई के सामने खड़े हुए हैं, चलते हैं मिलते हैं गौराम बाबा। अभी आ रही है कांवड़ यात्रा पीछे से, जैसा कि आपने अभी देखा, तो अभी कांवड़ यात्रा पीछे है, हम निकल के आगे आ रहे हैं और हम अभी रुकेंगे शनि मंदिर पर। शनि मंदिर से फिर जैसे कांवड़ यात्रा आगे आती है, तो उसके बाद अपन मिलते हैं गौराम गढ़ी पे, और आपको आज हम दर्शन कराएंगे गौराम बाबा के सभी जगह। तो बनिए रहिए हमारे वीडियो पे। गौराम बाबा मंदिर चलेंगे, आपको बहुत प्राचीनतम मंदिर गौराम बाबा का, और पहले सत्योगिनी माता का मंदिर दिखाएंगे। और ये अब हम मुड़ रहे हैं गौराम बाबा के लिए, गौराम बाबा के मंदिर के लिए मुड़ रहे हैं यहाँ से। अरे यार, ये गाड़ी कौन है उठपटांग लगा देता है यार यहाँ पर। और ये हम अब आगे गौराम बाबा के लिए मुड़ चुके हैं, जैसा कि देखा है आपने। और अभी चलते हैं 64 योगिनी, रूट भी खराब है ये। यहाँ पर 64 योगिनी माता का मंदिर, यहाँ पर ये तालाब खुदा हुआ है दाएं हाथ में, आप ये 64 योगिनी का मंदिर जो कि गौराम गढ़ी पे पड़ता है गौराम बाबा में। और ये हमारे बहुत सहयोगी हैं जो आज भंडारा का आयोजन कर रहे हैं इस पावन पर्व पर। ये है मंदिर, 64 योगिनी के मंदिर काफी प्राचीनतम मंदिर है। कहा जाता है कि इसको कुछ लोग तोड़ने के लिए भी आए थे, लेकिन तोड़ नहीं पाए, वो खुद टूट गए इसको तोड़ने के चक्कर में। काफ़ी पुरानी कहावत है, हजारों साल पुराना ये मंदिर, और इसकी ऊंचाई निरंतर बढ़ती जाती है। और ये यहाँ पे भंडारा बन के तैयार अब कांवड़ वालों की प्रतीक्षा में है। और ये भंडारा बीरू झारिया की तरफ से आज के इस पावन अवसर पर प्रदान किया जाएगा। और ये खड़े हैं बीरू झारिया, ये गुंबद मंदिर का। आप देखना शुरू कर चुके हैं मराबी मोहन ब्लॉग्स, और ये पीछे देख सकते हैं आप तालाब। और आज है सोमवार का दिन, और आज कांवड़ यात्रा वाले हमारे भाई लोग जो कांवड़ उठाने गए थे ग्वारी घाट, वहाँ से नर्मदा जल लेके आ रहे हैं, तो गौराम बाबा में जल चढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे दाएं साइड
ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ के अंदर से ही एक प्राचीनतम मंदिर है गौरम बाबा का। तो आगे चल के हम दिखाएंगे आपको गौरम बाबा का मंदिर। तो जैसे कावड़ वाले यहाँ पहुँच जाते तो साथ में चलते हैं हम गौरम बाबा के मंदिर। तो चलेंगे आपको दिखाते हैं गौरम बाबा का मंदिर, बने रहिए हमारे साथ। प्रकृति का शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं मरावी मोहन ब्लॉक के सौजन्य से। और सोमवार का दिन कांवड़ यात्रा वाले भी पहुंचने वाले हैं। तो अब ये देख सकते कितना हरा भरा जंगल है हमारा, और इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। मौसम भी अच्छा साथ दे रहा है अभी तक, काले काले घने घने बादल और ये पूरा फॉरेस्ट। और कुछ साथी लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये वीरू पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी पे। और ये बोल बम बम के नारों से गूंजते हुए ये आ रहे हैं हमारे कावड़िये। और इंद्र भगवान भी खुश पानी से स्वागत करते हुए, इनका पानी अच्छा खासा गिर रहा है। और ये गौरम बाबा को नर्मदा जल अर्पित करने जाते हुए, और इसी दौरान पानी भी तेज गति से गिरने लगा है। चलिए हम भी चलते हैं आगे, चल रहे गौरम बाबा की। पानी भी काफी तेज, गौरम बाबा की सीढ़ियां चढ़ते हुए। ये सांस फूलने लगा गौरम बाबा का मंदिर। और आ चुके हैं कांवड़िये यहाँ पर, ये बैठे हैं और बम भोले सब बम भोले नर्मदा हर का उद्घोष करते हुए हैं। और ये कुंड है, यहाँ पर 12 महीना पानी रहता है। एक ये कुंड है और एक ये कुंड। पूरे देश में और ये काफी शानदार नजारा इस साइड का। ये नीचे खाई करीब करीब 150-200 फीट, और ये पूरे सागौन के पेड़ लगे हुए हैं चारों तरफ। और ये ऊपर साइड का नज़ारा करीब करीब 1000 फीट और होगा ऊपर, और बीचों बीच बना है ये मंदिर। ये है गौरम बाबा का मंदिर। यहाँ पर चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं, बहुत ही दर्शनीय स्थल है। आप भी आइए कभी घूमने। और ये देखिए कुंड ये बना हुआ है, 12 महीना पानी रहता है, भीषण गर्मी में भी यहाँ पर पानी रहती है। मंदिर है यहाँ पर शंकर जी का, साइड अलग शंकर जी का मंदिर। ये सीढ़ी जाती है ऊपर, खूबसूरत सा झरना ऊपर से बहता हुआ ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत झरना है। और इसके ऊपर एक और मंदिर है ऊपर, करीब करीब यहाँ से
4500 फीट की ऊंचाई पर शायद यहाँ से दिख रहा हो। जूम करके कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, शायद दीवार दिखे। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको दीवार दिख रहा होगा मंदिर का, काफ़ी ऊंचाई पर है। हालत ख़राब होगी, सांस फूलने लगा, इस वजह से ऊपर नहीं जाएंगे। ये पुराना मंदिर है एक और, पूरी गांव की महिलाएं बैठी हुई हैं कावड़ वालों को देखने। कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है हमारे गौरम बाबा का। अभी अच्छी खासी धूप निकल गई, मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया। ये देख सकते हैं पूरा हरा भरा जंगल, ये नीचे नदी। ये कुछ भक्त लोग और आ रहे हैं, तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो को करते हैं एंड। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये खड़े हैं बीच में हाफ टी शर्ट में बीरू, जो कि अब वहाँ पर आगे भंडारा चालू करवाएंगे। और अब हम निकलते हैं यहाँ से घर। यदि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें। बोल बम।